Good morning and warm welcome to all of you. Students, in today's GK class, we will discuss about trees. Trees, jinhe Hindi mein kya bolte hain? Ped, very good. To bachcho, aaj hum pedo ke baare mein baate karenge. Aap sabhi ne ped dekhe hain na? Achha. To aapko pata hai kya ki ped ke teen important main parts kya hote hain? What are the three main parts of the tree? Okay. तो सबसे पहले trees में हम देखते हैं, नीचे से start करते हैं. तो जो पेड़ होता है, वो किसके सहारे टिका होता है जमीन पे? जड़ों के सहारे. तो ये जो जड़ यानी कि जो roots होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर. उसके बाद जो तना होता है मोटा सा, उसे क्या कहते हैं? ट्रंक ऑफ द ट्री. क्या कहते हैं बच्चों? ट्रंक. वेरी गुड. ओके. और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लीव्स. ओके. तो मैम ने क्या क्या बता दिया आपको? तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, रूट्स, ट्रंक एंड लीव्स. ओके बच्चों, इसके अलावा और क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ब्रांचेस होते हैं, है ना, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स भी होता है. ओके. तो आज हम तरह तरह के पेड़ों के बारे में जानेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी हैव नीम. कौन सा पेड़ है बच्चों? ये है नीम का पेड़. कैसे होते हैं इसके पत्ते? आपने देखा है क्या कभी नीम का पेड़? जरूर देखा होगा, है ना. कैंपस में कितने सारे नीम के पेड़ हैं, है ना. किसी ने टेस्ट करके देखा है पत्तों को कैसे होते हैं? बहुत कड़वे, है ना बेटा. यूं तो ये पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन ये जो है दवाइयों की तरह इनका इस्तेमाल होता है. दे हैव मेडिसिनल बेनिफिट्स. तो बच्चों, जो नीम होता है ना, वो जर्म्स को मार देता है, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है दवाइयाँ बनाने में किया जाता है. ओके. जैसे कि मान लो स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो क्या है, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर किस तरह के होते हैं? फंगल इन्फेक्शन. तो अगर हम उसमें नीम का ऑयल लगा ले तो क्या होगा? स्किन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा. इसी तरह और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें नीम का इस्तेमाल होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पीपल. आप सभी ने पीपल ट्री देखा है बच्चों? कैसा होता है इसका पत्ता? हाँ, ज़रूर देखा होगा. ये तो हर जगह देखने को मिल जाता है ना. लेकिन एक जगह तो ये ज़रूरी होता है. कहाँ पे? टेम्पल में. दैट्स राइट बच्चों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है. आपने कभी मम्मी को देखा है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हुए? देखा होगा ना. बिल्कुल सही. तो कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा होती है, जिसको वर्शिप करते हैं? पीपल ट्री. वेरी गुड. नेक्स्ट इज अशोका ट्री. कौन सा पेड़ है बच्चों? ये मेरे साथ बोलेंगे आप सभी, अशोका ट्री. और इसके पत्ते कैसे दिखते हैं? देखा है ना आपने इसको. ओके. फिर आप याद रखोगे ये कौन सा ट्री है. वेरी गुड, अशोका ट्री. हियर कम्स यूकलिप्टस. बच्चों, ये एक बहुत ही खास तरह का पेड़ है कि बहुत लंबा होता है. इसकी जो ट्रंक होती है ना, मैंने आपको बताया था ना तना, वो बहुत ही लंबा होता है. इसको एवरग्रीन ट्री भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके पत्ते कभी नहीं सूखते, कभी नहीं झड़ता. ऐसा कभी नहीं होता कि सारे पत्ते झड़ जाएं, ऐसा नहीं होता. इसीलिए इसको एवरग्रीन ट्री भी कहा जाता है. बच्चों, ये भी एक मेडिसिनल ट्री है. आपने देखा होगा, आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो मम्मा आपको बाम लगाती है ना, जो ठंडा गर्म सा लगता है आपको. अगर आपके चेस्ट में ब्लॉकेज है तो बाम लगाने से आपको अच्छा महसूस होता है. या फिर अगर आपकी नाक बंद हो जाए तो आप इन्हेलर सूंघते हो ना, कौन सा वाला, विक्स इन्हेलर. तो आपको कैसा महसूस होता है? ठंडा गर्म सा लगता है और आपकी नाक तुरंत खुल जाती है. तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है यूकलिप्टस. तो यूकलिप्टस भी एक ऐसा ट्री है जो कि मेडिसिनल बेनिफिट्स देता है.
ओके। ओ देखो इसके पत्ते कितने नोकीले से लग रहे हैं, है ना। ये तो सब बच्चे जानते हैं। बच्चों बताइए कौन सा पेड़ है ये। वेरी गुड, ये है आम का पेड़ यानी कि मैंगो ट्री। तो किस किस बच्चों को आम खाना बहुत पसंद है, सारे बच्चों को। वेरी गुड, तो कौन सा पेड़ है जो हमें मीठे मीठे आम देता है, आम का पेड़ मैंगो ट्री। और आम के पत्ते कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना। नेक्स्ट इज कोकोनट ट्री। बच्चों क्या आप देख सकते हो कि इसका ट्रंक कितना लंबा है ना। और क्या आप इसको, आप इसमें ब्रांचेस देख पा रहे हो इस ट्री में, नहीं। तो आप सोचोगे कि ये जो ऊपर आपको ये हरे हरे इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। ये ब्रांचेस नहीं है बेटा, ये लीव्स है। कोकोनट ट्री के लीव्स जो होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं और इसमें ब्रांचेस बिल्कुल नहीं होते। ओके, दिस इज बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। तो बच्चों मैम ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रूट्स होते हैं यानी कि जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन ये जो ट्री होता है ना बेटा ये खास है, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। इसके जो जड़ होते हैं वो हवा से लटकते हैं, हवा यानी कि ब्रांचेस से। सो दे हैव एरियल रूट्स। क्या, किस तरह के रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स। एरियल का मतलब जैसे हवा से नीचे की तरफ लटक रहे हों। ओके, दिखते हैं इनके पत्ते ऐसे, आपने देखा है क्या। नेक्स्ट इज गुलमोहर ट्री। बच्चों कैसा लग रहा है आपको ये पेड़, एक गुलदस्ते की तरह लग रहा है ना, है ना। वैसे तो ये पेड़ जो होता है हरा भरा दिखता है, लेकिन एक ऐसा सीजन आता है जिसमें इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए इनके पत्तों को। तो बच्चों आज हमने कितने सारे पेड़ों के बारे में जाना, है ना, आपको मजा आया। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, आर यू रेडी। ओके देन लेट्स स्टार्ट। नेम द ट्री विच वी वर्शिप यानी कि उस पेड़ का नाम बताइए जिसकी हम पूजा करते हैं। क्या मैम ने आपको बताया था ऐसे पेड़ के बारे में। हाँ सोचिए, बिल्कुल सही, पीपल ट्री। विच ट्री, पीपल ट्री, वी वर्शिप पीपल ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रीज विच गिव्स अस मेडिसिन। तो आज मैम ने आपको दो ऐसे पेड़ों के बारे में बताया जो हमें मेडिसिन देते हैं, है ना, आपको याद है क्या। एक तो मैम ने आपको बताया था जो स्किन इन्फेक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा मैम ने आपको बताया था जो सर्दी खांसी में हेल्प करता है। तो मैम ने आपको हिंट दे दिया है, अब बताइए कौन सा प्लांट है वो। वो है नीम ट्री एंड यूकलिप्टस ट्री। ओके, नेम द ट्री विच डज नॉट हैव ब्रांचेस यानी कि ऐसे पेड़ का नाम बताइए जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता। तो कौन सा है वो ट्री। दैट्स राइट, इट्स कोकोनट ट्री। सो कोकोनट ट्री डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द ट्री विच गिव्स अस ब्यूटिफुल फ्लावर्स यानी कि ऐसे पेड़ का नाम बताइए जो हमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देता हो। कौन सा ट्री है, इट्स गुलमोहर। सो गुलमोहर ट्री गिव्स अस
ब्यूटिफुल फ्लावर्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नेम द ट्री हुज फ्रूट वी ईट विथ ग्रेट प्लेजर. यानी कि ऐसे कोई पेड़ का नाम बताइए जिसका जो फ्रूट है यानी कि जिसका जो फल है हम बहुत मजे लेके खाते हैं. कौन सा ऐसा ट्री है बताइए? इट्स मैंगो ट्री, इजंट इट?